रेडिस रेडिस एक नोएसक्यूएल डेटाबेस है, जिसका थोड़ा सा तारुफ, हिस्ट्री और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आज ले लेते हैं। ये रेडिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। रेडिस एक नोएसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है प्रोफेशनली एप्लीकेशंस के अंदर। बहुत ज्यादा जो यूज इसका किया जाता है वो कैशे मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। कुछ कंपनियां इसे अपनी एप्लीकेशन के अंदर एज ए प्रॉपर डेटाबेस के तौर पे भी यूज करती हैं, कि जिसके अंदर वो अपना ऑफिशियल डेटा भी स्टोर कर रही होती हैं। लेकिन नॉर्मली जो है ना, इसे दूसरी डेटाबेसेस के साथ एज ए कैशे सर्वर के तौर पे जो है ना यूज किया जाता है। ये भी है वैसे एक नोएसक्यूएल डेटाबेस ही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है। थोड़ा सा मैं दोबारा से एक दफा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोबारा से करवा देता हूँ। डेटा क्या चीज है, इंफॉर्मेशन क्या चीज है, डेटाबेस क्या चीज है। डेटा किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो हमें हासिल होती है, किसी शेप के अंदर भी, वो पिक्चर की फॉर्म के अंदर हो सकती है, टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर हो सकती है, ऑडियो की फॉर्म के अंदर हो सकती है, कुछ भी, वो सारे का सारा डेटा अकाउंट होता है। उसके अंदर अब कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का जो सेट होता है उसे हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। इन सारी चीजों को अगर आप किसी सिस्टम के अंदर मैनेज करें तो उस सिस्टम को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। नो एसक्यूएल से पहले रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, जिसके अंदर माई एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल, मारिया डीबी, ओरेकल, सो ऑन। तो इनके अंदर एक प्रॉब्लम चल रही थी कि ये ह्यूज डेटा को मैनेज करने में फ्लॉप थे एक तरह से। तो इस चीज को कवर अप किया है नो एसक्यूएल ने आके। तो रेडिस जाते खुद नो एसक्यूएल का एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो ये आप गूगल पे जस्ट जाके मेंशन करें हिस्ट्री ऑफ रेडिस। और इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने का बेस पर्पस ये था कि उनका एक प्रोजेक्ट था जो कि एनालिटिक्स की प्रोडक्ट थी, जिसको मैनेज कर रहे थे, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो है ना स्टार्ट किया था।